हेलो हसलर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसे बेस्ट प्लगइन्स हैं जो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी एक ब्लॉग है तो। सो, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इसमें मैं बाकी के प्लगइन्स को कवर करूंगा। सो, अगर आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप आई बटन में जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लें, तभी आपको ये नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा समझ में आएगा, बिकॉज इसमें मैंने ऑलरेडी कई प्लगइन्स कवर कर लिए हैं स्टार्टिंग के। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट करें, इट्स माई हाईली रिकमेंडेशन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट सेट ऑफ प्लगइन्स। सिक्स प्लगइन जो हम डिस्कस करेंगे वो है Yoast SEO। अब ये जो प्लगइन है, ऑफकोर्स आपने बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा शायद इसका, एंड नाम से इसका क्लियर है SEO, देन कहीं ना कहीं ये प्लगइन SEO के लिए होगा। और जैसे कि आप जानते हो, अगर आप ब्लॉग की बात करो तो अगर आप अपनी वेबसाइट का SEO करते हो तो आप एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक अट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू गूगल ऑर्गेनिक सर्च, एंड दिस इज वेयर दिस प्लगइन कम्स अंडर प्ले। इस पर्टिकुलर प्लगइन की बात करें तो इसके 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है ब्लॉगिंग वर्ल्ड में, खासकर जो वर्डप्रेस यूजर्स हैं उसमें। एंड ये प्लगइन में बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज मिल जाती हैं। अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हो तो जो बैकएंड में जो भी एसईओ के जो भी पार्ट है, जैसे कि आपका हो गया कैनोनिकल टैग, robot.txt एंड OG टैग फॉर इमेजेस, इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं वो अंडरटेक कर लेगा, ये खुद ही प्लगइन अंडरटेक कर लेता है। एंड द सेकंड इज, ये प्लगइन आपको ऑप्शन देता है कीवर्ड्स ऐड करने का, फोकस कीवर्ड ऐड करने का। जैसे कि पर्टिकुलर मैं एग्जिट करता हूँ। सो, जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जब जो भी आप कोई नया पोस्ट या पेज क्रिएट करते हो, बॉटम में ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे एडिट स्निपेट का और यहाँ पे फोकस कीवर्ड ऐड करने का। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एडिट कर सकते हो। इवन यहाँ पे जो परमालिंक होता है, मतलब ये जो URL होता है इंडेक्स URL के बाद का, वो भी आप एडिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप कोई एक फोकस कीवर्ड ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको और भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे कि रिकमेंडेशंस कि आपने फोकस कीवर्ड ऐड नहीं किया है अदरवाइज, या फिर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो फर्स्ट पैरा में नहीं है, आपको जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो खुद पे खुद ये प्लगइन दे देगा। सो अकॉर्डिंग टू दीज रिकमेंडेशंस आप अपना एडिट कर सकते हो, अपना पोस्ट एडिट कर सकते हो, और ऑफकोर्स बेटर स्कोर आप गेन कर सकते हो। आप आउट ऑफ 100 आपको स्कोर मिलता है, एंड अगर आपका स्कोर 80 या 80 प्लस है, आई थिंक दैट इज बेस्ट। एंड अदरवाइज अगर जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सिंगल कीवर्ड ऐड करने का ही ऑप्शन मिल रहा है। एंड अगर आप एक दूसरे प्लगइन के साथ जाते हो जिसका नाम है रैंक मैथ, और अगर आप इस प्लगइन के साथ जाते हो रैंक मैथ के साथ, तो ये आपको ऑप्शन देता है मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करने का। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट Yoast SEO। एंड द सेवेंथ प्लगइन जो हम डिस्कस करेंगे वो है WP Forms। एंड ये जो पर्टिकुलर प्लगइन है, आपको कोई भी किसी भी टाइप का फॉर्म क्रिएट करना है, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, चाहे वो एक लीड जनरेशन फॉर्म हो, चाहे वो इंक्वायरी फॉर्म हो, किसी भी टाइप का फॉर्म, या फिर इवन मेंबरशिप फॉर्म भी क्रिएट करने के लिए, लॉग इन फॉर्म, साइनअप फॉर्म क्रिएट करने के लिए भी ये प्लगइन यूज होता है। एंड ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है, मोर देन 3+ मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। इन दी फ्री प्लगइन ऑफकोर्स लिमिटेशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा सेक्शंस ऐड नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप एक फ़ोन का सेक्शन ऐड नहीं कर सकते हो, एंड और भी लिमिटेशंस हैं जो इस प्लगइन में हैं। अदरवाइज अगर आप एज अ बिगनर हो, आई थिंक दिस प्लगइन इज बेस्ट फॉर यू फॉर क्रिएटिंग द कॉन्टैक्ट फॉर्म। एंड द एथ प्लगइन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है एड इंसर्टर। ये प्लगइन अगर आप जैसे कि ऑफकोर्स अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर ब्लॉग की बात करें, तो जो मेजर मोनेटाइजेशन सोर्स जो होता है किसी भी ब्लॉग का, वो होता है एडवर्टीजमेंट। एंड अगर आपको अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट लगाना है, इन दैट केस ये प्लगइन आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। एंड द थिंग इज कि अब जैसे कि आप एज अ बिगनर हो, स्टार्टर हो, तो ऑफकोर्स इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है कि आप इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो और इस प्लगइन को इंस्टॉल करो या इसमें अपना टाइम दो। बट अगर जैसे आपके पास एक इनफ ट्रैफिक होता है, इनफ ट्रैफिक आप मान सकते हो मोर देन 500 प्लस यूनिक विजिटर्स पर मंथ, इन दैट केस आप सोच सकते हो इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का, और इवन गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने का, या फिर अदर जो एड नेटवर्क्स हैं उस पर अप्लाई करने का। बेस्ट एड नेटवर्क्स कौन से होंगे, इसके लिए भी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, सो चेक आउट दैट टू। द नाइन्थ प्लगइन दैट विल गोना डिस्कस इज ड्राफ्ट प्लस। अब ये जो प्लगइन है पर्टिकुलर, इसकी क्या बात कहें, ये प्लगइन लाइक आपके कई ढेर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है।
तो नॉर्मल जो मेजर इश्यू रहता है किसी भी वेबसाइट के साथ वो है कि अगर वो वेबसाइट उड़ गई से मेरा मतलब है कि अगर वो डिलीट हो गई, उसमें कोई वायरस आ गया और या फिर आपकी जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसने आपकी वेबसाइट को बैन कर दिया, कोई भी केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो चुका है। इन दैट केस ये जो प्लगइन है ये आपको सपोर्ट करने वाला है। और जब मुझे पहली बार इस प्लगइन के बारे में पता चला था मैं वाकई में बहुत खुश हुआ था, बिकॉज ये जो था वेबसाइट का बैकअप लेके रखना पर्टिकुलर वर्डप्रेस वेबसाइट का एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू था। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी भी वेबसाइट का बैकअप लोगे तो वो आपके पास वेबसाइट का जो भी फाइल्स हैं, डेटाबेस है, वो आपके पास होगा नो डाउट। लेकिन जब आप एक नए होस्टिंग प्रोवाइडर में वहाँ पे सी पैनल में जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो वर्डप्रेस न्यू से इंस्टॉल होता है, फ्रॉम द बेसिक से इंस्टॉल होता है आपका। एंड अब उस केस में क्या होता है कि वर्डप्रेस खुद ही अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर देता है। अब उससे होता क्या है कि आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है लेकिन वर्डप्रेस ने ऑलरेडी एक नया डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, सो नए वाले डेटाबेस को पुराने वाले डेटाबेस के साथ मर्ज करने में ऑफकोर्स बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। अगर आप एक डेवलपर हो तो हो सकता है कि आप कर लो, लेकिन अगर आप नॉन कोडर हो दैट केस इट्स अ रियल पेन इन एस। सो ये प्लगइन जो है वो इस इश्यू को खत्म कर देता है। सो आपको करना है क्या है इस प्लगइन के साथ, सिंपल, मैं डायरेक्ट इसके इंटरफेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब ड्राफ्ट प्लस, यहाँ पे आप सेटिंग्स पे आप जैसे ही जाओगे इसके इंस्टॉल करने के बाद, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा बैकअप सिस्टम है पूरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल बैकअप हो रखे हैं टाइम टू टाइम। मैं वीकली बेसिस पे बैकअप लेता हूँ और ये जो बैकअप होते हैं ऑटोमेटिक बैकअप होते हैं। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लगइन इज दैट कि आप यहाँ पे जो बैकअप है वो आप अपने लोकल ड्राइव पे ले सकते हो, आप अपने लोकल सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप क्लाउड पे भी कर सकते हो, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया या फिर वन ड्राइव हो गया या फिर ड्रॉप बॉक्स हो गया, आप किसी भी क्लाउड स्टोरेज में आप अपना बैकअप स्टोर करके रख सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जब भी आपको बैकअप लेना हो दोबारा तो सिंपल आप यहाँ पे अपने जो नई वेबसाइट है WP की उसमें आप इस प्लगइन को अपने इंस्टॉल करें और यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे इस प्लगइन के थ्रू ही आप अपना पूरी की पूरी वेबसाइट जो है पुरानी वाली वो रिस्टोर कर सकते हैं और सेम टू सेम जैसे आपकी पहले की वेबसाइट थी वैसी वेबसाइट आपकी रिस्टोर हो जाएगी इससे। अनदर जो मैं आपको बता रहा था कि ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम, तो जैसे कि आप यहाँ पे जो बैकअप देख रहे हो ये परमानेंट बैकअप है, ये मैंने जो बैकअप लिया था उसको आप डिलीट नहीं कर सकते या फिर ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो उस पुराने बैकअप डिलीट नहीं करेगा। अभी बैकअप सिस्टम होता कैसा है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे जो बैकअप फाइल सेट है, बैकअप शेड्यूल जो सेट है वो है वीकली बेसिस पे, आप इसको डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो द नंबर ऑफ बैकअप्स हैं जो रिटेन रहेंगे वो है 4 बैकअप, यानी 4 हफ्ते तक का बैकअप आपके पास रहेगा। एंड देन आफ्टर 4 वीक्स वो जो पुराना वाला बैकअप है वो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो आपको बात बता रहा था वो ये था कि आपके पुराने बैकअप डिलीट हो जाएंगे लेकिन आपने जो इनिशियल में बैकअप बना के रखे हैं उसको आप लॉक कर सकते हो ताकि वो डिलीट ना हो, तो आपके पास जो इनिशियल जो आपकी वेबसाइट का बैकअप था वो आपके पास फिर भी रहेगा। और अगर आप जैसे कि रिस्टोर भी करते हो इन दैट केस ऑल्सो आप जो पुराने वाली है वो रिस्टोर कर सकते हो अगर आपको जो अपडेटेड वर्जन है वो अपनी वेबसाइट का नहीं पसंद है, अदरवाइज जो आपका लेटेस्ट बैकअप है वो आप रिस्टोर कर सकते हो नॉट। सो इस तरीके से ये पूरा बैकअप सिस्टम वर्क करता है एंड कॉस ये आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हो। और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, गो विद दिस प्लगइन। एंड द सेकंड लास्ट प्लगइन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिंपल साइट मैप। ये पर्टिकुलर प्लगइन करता क्या है, कुछ खास काम नहीं है, ऑफ कोर्स साइट मैप ऐड करता है ये वेबसाइट पे और जो इसका इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कोई भी वेबसाइट हो अगर उस पर आपको अपना साइट मैप ऐड करना है, और साइट मैप में मेजर क्या पार्ट होता है, पेजेस होते हैं, पोस्ट होते हैं, कैटेगरीज भी हम ऐड कर सकते हैं, इसमें मैंने ऐड नहीं करा है। सो अगर आपको अपनी वेबसाइट पे साइट मैप ऐड करना है तो आप इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। अब साइट मैप का काम क्या होता है, हम करें क्यों इस प्लगइन को इंस्टॉल। सो अगर आप जैसे कि पर्टिकुलर गूगल एडसेंस के लिए आप अप्लाई करते हो एंड एज अ ब्लॉगर आई थिंक आप करोगे इस चीज़ के लिए अप्लाई, सो इन दैट केस अगर आपकी वेबसाइट में जो मेन पेजेस हैं लाइक डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, साइट मैप एंड अबाउट अस सेक्शन एंड कॉन्टैक्ट अस, अगर ये पेजेस नहीं हुए आपकी वेबसाइट पे तो कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे कि आपका जो एडसेंस है वो अप्रूव ना हो। सो टू बी ऑन द सेफर साइड इट इज सजेस्टेड दैट आप साइट मैप अपने वेबसाइट पे साइट मैप का पेज बना कर रखें। द लास्ट प्लगइन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंपेनियन ऑटो अपडेट। ये प्लगइन पर्टिकुलर करता क्या है, वो सिंपल ये है कि ये जो भी आपके प्लगइन्स हैं WP एडमिन में या फिर इवन जो थीम है उसको ये ऑटो अपडेट करता है।
सो अब आप ये सोचोगे कि वर्डप्रेस 5.3 हम यूज़ कर रहे हैं, 5.5 यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्डप्रेस 5 वर्जन में ऑटो अपडेट का ऑप्शन है, बट मैंने ये चीज़ देखी है, पता नहीं क्यों ऑटो अपडेट होते नहीं है प्लगइन्स और ना ही थीम्स होते हैं। सो डैट्स वाई हमें इस प्लगइन को यूज़ करना पड़ता है। द थिंग इज़ कि आप मैनुअली भी कर सकते हो अपडेट, नो डाउट, बट ऑफकोर्स आपको बार बार चेक करना पड़ेगा एंड मल्टीपल टाइम्स आपको हफ्ते में लॉग इन करना पड़ेगा अपने अपने वेबसाइट को अप टू डेट रखने के लिए प्लगइन्स को, थीम्स को। एंड अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम के बाद अगर अपना WP एडमिन लॉग इन करते हो, इन दैट केस आई सजेस्ट कि आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करके रखो, बिकॉज अगर आपके प्लगइन्स अपडेट रहेंगे तो बहुत कम चांसेस रहेंगे अटैक्स के और वायरस के आने के। जितना ज़्यादा आउटडेटेड प्लगइन होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं अटैक के, या उसको उसके क्रैक करने के और उसके लूपहोल फाइंड करने के और उसको हैक करने के। इस प्लगइन को यूज़ करना बहुत सिंपल है, बस आपको सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आपको क्या क्या ऑटो अपडेट करना है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ कर रखा है वो है ऑटो अपडेट माइनर कोर अपडेट्स। तो जैसे कि मान लीजिए कोई नया वर्जन आता है वर्डप्रेस का, तो ये ऑटो अपडेट नहीं करेगा, तो मेजर जो भी अपडेट हैं वो आप मैनुअली करें, ये तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। एंड जो भी माइनर अपडेट्स हैं जैसे कि प्लगइन हो गए, थीम्स हो गए, वो ऑटो अपडेट पे आप लगा के रखें। अब यहाँ पे कितने इंटरवल में ये चेक करता रहे अपडेट के लिए, तो आप वंस अ डेली कर सकते हो, आप ट्वाइस अ डेली भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप चूज़ कर सकते हो। सो माई फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट ऑल दी प्लगइन्स जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जो चेक करें, यहाँ पे मैंने डिटेल में हर एक प्लगइन के बारे में बता रखा है, उनके प्रोज एंड कॉन्स बता रखे हैं, उनके क्या फीचर्स हैं वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल और ये ऑफकोर्स प्लगइन आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्लगइन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके और भी अल्टरनेटिव्स आते हैं जो कि मार्केट में अच्छे हैं, बट मुझे ये अच्छे लगे एंड इनको मैंने खुद से यूज़ किया है, आई टेस्टेड देम ऑन माई ओन और मैं इनको सजेस्ट करता हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दैन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो, और टिल द नेक्स्ट वीडियो। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी कहीं ना कहीं रहने वाला है थीम्स के अराउंड, आई थिंक थीम्स कौन से बेस्ट थीम्स हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अगर आप वो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑफकोर्स आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो चैनल का। थैंक यू।